हे गाइस, वेलकम टू आवर व्लॉग। तो आज हम जाने वाले कोंडेश्वर टेम्पल, तो चलते। तो आप देख सकते हो ये जो रिवर है, ये इंद्रायणी रिवर है, तो ये कामशेट के आगे आता है। तो हमने इधर एक टेम्पल देखा, तो इधर रुके, तो एक छोटा सा टेम्पल है और आगे, तो आगे चलते हैं, हम चलते। तो अभी हम आए हैं नाने मावळ के कामरे गांव में। तो कामरे से लेकर कोंडेश्वर 15 किलोमीटर दूर है, तो चलते आगे। तो ये मंदिर जो है ये पुणे से लेकर 68 किलोमीटर तक है। और आप सभी को बता दूँ, यहाँ पर जब आओगे आप तो नैसर्गिक वातावरण है, मतलब आपको बहुत आनंद ही मिलेगा यहाँ पर आके। ट्रैवल में कुछ तकलीफ नहीं होगी। तो देख सकते हो कैसे पहाड़ी है, और हम समर सीजन में आए इसलिए ज़रा थोड़ा सा गर्मी होता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप जब या बारिश के सीज़न में आओगे, मतलब मानसून सीज़न में, तो आपको इधर बहुत सारे झरने दिखेंगे। तो आप उधर झरने के नीचे जा सकते हो, और अपने जो टेम्पल है उसके पीछे भी एक झरना है। तो आज देखते हैं उधर पानी है कि नहीं, तो चलिए। तो हम हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, और ये देख सकते हो ये मंदिर है, थोड़ी पब्लिक दिखाई दे रही है। तो चलते आगे, देखते हैं अंदर कैसे है। तो इधर कंस्ट्रक्शन का काम चालू था थोड़ा, देख सकते हो कैसा कंस्ट्रक्शन चालू है, मतलब।
तो जब आप शिवलिंग के दर्शन लोगे तो आप पीछे आना, तो पीछे एक शंकर भगवान की मूर्ति है, उधर एक दर्शन लेना। और ये देख सकते हो पीछे का व्यू। तो अभी हम नीचे की साइड आए, मतलब पीछे साइड। तो यहाँ पर है ना अभी सूखा हुआ है सब कुछ। जब आप बारिश के सीजन में आओगे तो इधर ये पूरा मतलब पानी से भर रहेगा। ये एक टाइप का झरना है, वाटरफॉल है, इधर से ऐसा पानी बहता है। तो देख सकते हो अभी समर सीजन है इसलिए हम उतर सकते हैं नीचे, लेकिन बारिश सीजन में आप नहीं आ सकते। तो आप जब इधर खाना खाते हो या फिर खाना परोसते हो तो उसके बाद है ना जो अपना प्लेट्स रहते हैं ना, प्लेट्स ग्लास, तो अपने साथ एक आपके साथ है ना एक वेस्ट कंटेनर रखो। मतलब इधर गंदगी नहीं करने की, हम कौन से भी डेस्टिनेशन पे जाए तो वो अच्छा दिखना चाहिए। तो आप देख सकते हो इधर कितना प्लेट्स डाला है खाना खाने के बाद, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको बता दूँ, हर साल जब बारिश का पानी आता है, जो झरने का पानी आता है, तो वो बहुत ज़ोर से बहता है। तो जो बहता है ना जोर से, तो देख सकते हो इधर नहीं, तो बहुत सारे गड्ढे पड़े हुए हैं यहाँ पर। तो थोड़ा सा और नीचे जाएंगे, देखते हैं कैसा दिखता है। तो चलिए अभी बहुत देर हो गई है, हम घर पे चलते हैं। थोड़ा सा बारिश का वातावरण दिख रहा है, बारिश आने से पहले घर जाना पड़ेगा हमको। हम कुछ नहीं लाए, छाता अभी तक कुछ नहीं लेके आए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, और आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो।